मुरादाबाद जिले में गुरुवार की सुबह कोहरे ने दस्तक दे दी है। सुबह करीब 10 बजे तक मौसम साफ नहीं था। इस पर बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत हुई। लोगों ने भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाए। नवंबर में सुबह सर्दी का एहसास भी होने लगा है। घने कोहरे के कारण करीब कुछ दूरी का साफ देखना भी मुश्किल हो रहा है। कोहरा पड़ने से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। करीब 10 बजे तक कोहरा देखने को मिला। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। कितनी ठंड है आज? बहुत ठंड है तो कोहरा भी काफी है तो कितनी दिक्कत आ रही है बेटा? नहाया नहीं जाता। धुंध बरकरार रहने के कारण लोगों को दिल्ली और NCR की तरह स्मॉग का असर मुरादाबाद में देखने को मिल रहा है। कोहरे में सर्दी का एहसास होने के बाद लोग बाइक पर गर्म कपड़े पहनकर सफर करते नजर आए। तो आज कितनी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में? कोहरा हल्का है तो दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आनी थोड़ी कोहरे में। तो ज्यादा कोहरा है आज? पहला ही कोहरा है तो ज्यादा कोहरा है तो काफी दिक्कतों का सामना करना हल्का तो करना पड़ेगा इस समय तक। तो अभी तो जनवरी दिसंबर में होगा कोहरा तो टिकट वाला। कुल मिलाकर कोहरे के साथ अब सुबह और शाम की सर्दी पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, पर ऐसे में शुरुआती सर्दी से खुद को और बच्चों को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। शुरुआती सर्दी में जरा सी भी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है।